अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ़ीर ख़ान एंड आई होप आप तमाम भाई खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मोटिवेशनल होने वाली है और इसमें शेयर करूंगा मैं आपके साथ सक्सेस स्टोरी। एक कैंडिडेट ने, एक क्लाइंट ने हमारे साथ वो शेयर की है और हमें बहुत खुशी हुई है इस बात से। अच्छी बात जो भी हो उस पर खुशी होती है, किसी का भला हो जाए उस पर हमें खुशी होती है कि उस बेचारे ने उसमें एफर्ट्स की अपनी, उसमें उसने थोड़ी सी स्ट्रगल की और ख़ुद उसने काम किया और उसका अच्छा उसको रिज़ल्ट मिला है, राइट। उस लड़के ने ख़ुद अप्लाई किया रोमानिया में, वो हमारे कैंडिडेट्स थे, उन्होंने रोमानिया में अप्लाई किया और वो ख़ुद अप्लाई किया। किसी को उसने एक रुपया भी नहीं दिया, कोई फ़ीस उसने नहीं दी, किसी को कुछ भी उसने पे नहीं किया, ऑनलाइन उसने अप्लाई किया और वहाँ से उसको रिस्पॉन्स आया। आपके साथ मैं अभी स्क्रीन पर शेयर करूँगा उस कंपनी का रिस्पॉन्स। बेसिकली उसने होटल में अप्लाई किया था, होटल में उसने हाउसकीपिंग अटेंडेंट के लिए अप्लाई किया और वहाँ से उसको रिस्पॉन्स मिला। उसको इवन के 4 एम्प्लॉयर से रिस्पॉन्स मिला है, यानी कि 4 कंपनियों से उनको रिस्पॉन्स मिला है। बहुत से लोग जो कि डीमोटिवेट हो चुके हैं आजकल, बिकॉज एजेंट्स कंसल्टेंट्स वो तकरीबन 17 लाख 20 लाख रुपये ले के बाहर भेजते हैं लोगों को। हमें समझ आती है कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में अगर इतने पैसे ले के भेजते हैं उसकी कुछ समझ भी आती है, लेकिन ऐसे कंट्रीज़ जैसे कि रोमानिया हो गया, यहाँ पे अगर वो आपसे 17 लाख 15 लाख 18 लाख डिमांड करते हैं, ये मेरे ख़्याल से अच्छी बात नहीं है, ये एक नाइंसाफ़ी वाली बात है, राइट। तो इसमें मैं आपको हमेशा से इनक्रेज भी करता रहता हूँ कि आप ख़ुद अप्लाई करें, आप फ्री में अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई करें, वेबसाइट जो भी बताई गई हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब इस कैंडिडेट ने उसमें अप्लाई किया, वहाँ से उसको 4 कंपनियों से रिस्पॉन्स आया और उसके बाद आगे क्या करना है उसके बारे में उसने हमसे दोबारा हमसे रابطہ किया कि मैं अब इनको रिप्लाई क्या करूँ। उन्होंने मुझे यहाँ से रिप्लाई दे दिया कंपनीज ने, अब उनको कैसा रिप्लाई किया जाए। तो हमने फिर उसको आगे फर्दर स्टेप्स बताया और इसमें आपके साथ मैं शेयर भी करूंगा कि उसने कोई ऐसी चीज़ें नहीं लगाई जो कि बहुत मुश्किल हों, यानी कि बहुत ऐसी चीज़ें जो कि बहुत मुश्किल हों जो कि आप लोग नहीं कर सकते, या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट उसने लगाए हैं जो आपके पास नहीं हैं। सिर्फ बात यह है कि आप लोग थोड़े से, मैं कहूँगा कि डीमोटिवेट हैं। आप लोग समझते हैं कि हम अगर 15 या 20 लाख नहीं देंगे तो हम बाहर नहीं जा सकते, उनका माइंड ऐसा बन चुका है कि फ्री वाली तो बात बिल्कुल है ही नहीं, ऑनलाइन वाली जो बात है वो बिल्कुल है ही नहीं, हम जब तक एजेंट्स को 15 या 20 लाख रुपए नहीं देंगे हम किसी सूरत बाहर नहीं जा सकते, राइट। तो इसलिए स्पेशल ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये रेडिसन होटल ग्रुप इसका नाम है। बेसिकली रोमानिया में ये होटल है जो कि वहाँ पर एक शानदार होटल है, 5-स्टार होटल है वहाँ पर। वहाँ से उसका रिस्पॉन्स आया, स्क्रीन पर आप ख़ुद भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नाम हम कैंडिडेट का डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते बिकॉज़ ड्यू टू प्राइवेसी, हम अपने कैंडिडेट्स का, क्लाइंट्स का प्राइवेसी रखते हैं, इसी वजह से नाम को हमने वहां से हाइड कर दिया। बाकी आप उसको पढ़ सकते हैं, उसमें उन्होंने सारा लिखा है कि आपकी हाउसकीपिंग अटेंडेंट की जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी सबमिटेड हो गई है और इसमें हम आगे जो हमारे ऊपर मैनेजर्स हैं वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, फिर जो भी आगे फर्दर स्टेप्स होंगे वो भी आपको बताया जाएगा, उस तरीके से फिर आपने उसमें अप्लाई करना है। इस तरीके से 4 कंपनीज़ की तरफ से उसको रिस्पॉन्स आया। मैंने आपके साथ एक कंपनी अभी शेयर की है ताकि आप लोग इससे सबक हासिल कर सकें, ताकि आप लोगों को ये यकीन हो कि ऑनलाइन अप्लाई करने से भी रिस्पॉन्स आता है। बिकॉज़ काफ़ी लोग कहते हैं, और मैं कमेंट्स में भी पढ़ता रहता हूँ, वो लिखते हैं कि हमें 4 साल हो गए, हमें 5 साल हो गए, हमें 10 साल हो गए, हम ये अप्लाई करते रहे हैं या फिर हम ये वीडियो सुनते रहें और हमें रिस्पॉन्स कोई नहीं आया कंपनी से। तो ये आपके सामने है, रिस्पॉन्स आता है। शर्त क्या है कि आपके पास कुछ होना चाहिए, यानी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब उसने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, वो बेसिकली होटल में उसने काम किया था, 1-2 होटल्स में उसने काम किया था, पाकिस्तान से वो लड़का है उसने काम किया था, और वहाँ से उसने एक्स्ट्रा चीज़ें जो लगाई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यूरोपियन फॉर्मेट CV उसने अपलोड किया, साथ में कवर लेटर उसने अपलोड किया यूरोपियन फॉर्मेट में, राइट। और उसमें भी कवर लेटर में उसमें यही लिखा कि उसका इतना एक्सपीरियंस है, वो इन होटल्स में काम कर चुका है, ये चीज़ें जानता है, रिसेप्शन के बारे में वो कुछ जानता है, और जो गेस्ट आते हैं उसको डील करने का वो जानता है, ये चीज़ें यानी कि उसने लिखी हैं
जो कि उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में मौजूद थी, उसी को मद्देनज़र रखते हुए उसने उस चीज़ में ऐड किया। फर्दर जो उसने साथ अटैच की थी, वो उसने क्या अटैच की थी, उसको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर मिला था इन होटल से, यानी कि लड़के ने अच्छा काम किया वहाँ से और इन होटल्स ने जिसमें वो एक दो में काम कर चुका है वहाँ से उसको एक सर्टिफिकेशंस के तौर पे, यानी कि एक अवार्ड के तौर पे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर जो मिलता है हर ऑर्गेनाइजेशन देती है, उसके पास वो दो सर्टिफिकेट्स थे एक्स्ट्रा, उसमें वो भी साथ अटैच कर दिए, तो इस चीज़ के भी वो एम्प्लॉयर पे एक अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है, एक एम्प्लॉई का अच्छा असर पड़ता है कि ये जो बंदा है या जो भी फीमेल है या मेल है, जो भी ये कैंडिडेट है, ये काम करने वाला है, यानी कि इसको नो हाउ है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की और इसका जो काम है उसको भी अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने सराहा है तो इसमें कुछ ना कुछ बात है, राइट। तो ये चीज़ें थी, सिंपल चीज़ें हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप लोग नहीं कर सकते। आप लोग स्टार्ट करें, जो भी लिंक्स होते हैं, जो भी वेबसाइट्स आपको पहले बताई हैं, इंशाल्लाह फर्दर भी बताएंगे, जिस भी कंट्री में जो अच्छे ऑप्शंस आएंगे आप उसको अप्लाई किया करें, ख़ुद अप्लाई किया करें। अगर उसमें आपको कोई हेल्प रिक्वायर्ड हमारी, आप फिर हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी आपके कमेंट्स हों, क्वेश्चंस हों, क्यूरीज हों, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें वीडियो के कमेंट्स में, जो जो बातें आपकी आती हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह उसको डिटेल्स के साथ डिस्कस करते हैं, ताकि आप ना सिर्फ आपका बल्कि जो भी लोग इसको देखेंगे उन सब को वो चीज़ क्लियर हो जाए, उससे उनको बेनिफिट हो सके, राइट। होप करता हूँ और कि इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से हेल्प होगी, आप ज़रूर इसमें अप्लाई किया करें। इसमें अप्लाई करने से आपका कोई भी आपके चार्जेस वगैरह नहीं होंगे, राइट। आप ख़ुद अप्लाई करेंगे, फ्री करेंगे, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स आता है तो आपका एक अच्छा काम हो जाता है, आप वर्क वीज़ा हासिल कर लेते हो, आप शिफ्ट हो सकते हो दूसरे कंट्रीज़ में बग़ैर किसी एजेंट के पास गए या बग़ैर किसी भी अदारे को आपने वहाँ से अप्रोच किया या फिर किसी और के पास आपने अपने पैसे या फीस दी, तो अच्छा ऑप्शन है, आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। फर्दर वीडियोस में आपको इसका जो भी लिंक्स होंगे वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इस वीडियो में इतने, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।